सीरीज की पहली वीडियो है। पहली वीडियो होने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट इमिग्रेशन, लोकल इंटरसिटी बस, लोकल फूड, फेमस खान अल खलीली मार्केट, लोकल कैफेज और भी बहुत कुछ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नई जर्नी की शुरुआत। अभी मैं हूँ इजिप्ट में, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में। मैं इंडिया से निकला, इंडिया से दुबई गया, फिर दुबई से बाई रोड मैं गया ओमान, ओमान से मैं फ्लाइट करके आया हूँ अलेक्जेंड्रिया। मेरी रात 12 बजे की फ़्लाइट थी ओमान से, यहाँ पे लगभग 3:30 बजे फ़्लाइट यहाँ लैंड कर चुकी है। इजिप्ट के वीज़ा के बारे में मैं अभी अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा, प्रॉब्ली वीडियो उसके पहले या बाद में आ जाएगा। और रही इमिग्रेशन की बात, तो बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही कूल इमिग्रेशन था। लाइक पासपोर्ट लिया, मेरे ख्याल से कुछ पढ़ा भी नहीं, पासपोर्ट लिया तुरंत स्टैम्प किया, कहा जाओ, ना कोई क्वेश्चन पूछा, ना कोई डिटेल पढ़ा, कुछ भी नहीं। मैं इजिप्ट में 14 डेज़ के लिए हूँ और 14 डेज़ में मैं 5 सिटीज़ कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले कायरो, देन आसवान, फिर लुक्सोर, हुरगाड़ा, लास्ट में अलेक्जेंड्रिया। मैं अलेक्जेंड्रिया लास्ट में घूमने के लिए इसे रखा हूँ क्योंकि मेरी जो अगली कंट्री है इजिप्ट के बाद वो है जॉर्डन। फिलहाल अभी मेरे को जाना है कायरो, कायरो जाने के लिए पहले मेरे को अलेक्जेंडर एयरपोर्ट से अलेक्जेंडर सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके मेरे को अगली बस करनी पड़ेगी कायरो के लिए। अब अलेक्जेंडर सिटी जाने के लिए मैं एयरपोर्ट बस लूँगा जो ऑलमोस्ट हर एक घंटे में जाती है। इजिप्ट की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है और 1 इजिप्शियन पाउंड 4.5 इंडियन रुपीस के बराबर है इस टाइम। इजिप्ट एयरपोर्ट बस का फेयर है 50 इजिप्शियन पाउंड यानी 225 इंडियन रुपीस। आप इस वेबसाइट से बस का टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। हाय, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट और जैसे आप देख रहे हैं तो कैश देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या अपना फॉरेस्ट कार्ड दे सकते हैं। जैसे अपनी लास्ट ट्रिप में नियो कार्ड यूज़ कर रहा था सब जगह, सेम यहाँ भी मैं नियो कार्ड ही यूज़ करूँगा। ये मेरा नियो कार्ड है, अब इससे मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। 1 टिकट फॉर 4 AM बस, या 4 AM बस। तो अलेक्जेंडर एयरपोर्ट के एग्जिट में सिक्योरिटी चेक हुआ है, अब मैं एयरपोर्ट के बाहर जा रहा हूँ। कई सारे ATMs हैं यहाँ पे, तो ATM से अगर आपको पैसे निकालने हैं आप निकाल सकते हो, मेरे को फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को देखना है बस कहाँ से मिलेगी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे बस कहाँ पे है। और बस कहीं खड़ी भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है बॉर्ग एल अरब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलेक्जेंड्रिया। बस का कुछ अता पता नहीं है बस कहाँ पे है। थोड़ी दूर पे बस दिख रही मेरे खड़ी हुए, लेकिन पता नहीं बस मेरी है कि और कोई की। आपको दिखाता हूँ मैं वो सामने वहाँ पे, वहाँ जाकर ही पता चलेगा, शायद वो इजिप्ट बस ही है। तो आपको क्या करना है, आपको एयरपोर्ट से बाहर आके आपको ज़्यादा नहीं, आई थिंक 100-200 मीटर आपको अपने राइट हैंड साइड चलना है आगे, तो बस वहाँ पे है। तो बस कुछ ऐसी है। मैं बस के अंदर आ चुका हूँ, बस ठीक है, लेकिन बहुत ही स्पेशियस है, आराम से आप अपना लगेज रख सकते हो। इस बार मैं 2 बैकपैक के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और ये जो बस है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, सबसे सस्ता तरीका है अलेक्जेंडर एयरपोर्ट से सिटी ट्रैवल करने के लिए। 1 घंटे लगे आने में, 4 बजे निकली थी, 5 बजे पहुँचा दी अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल बस स्टेशन। ये सेम पॉइंट यहाँ भी है इजिप्ट बस का। तो अब मेरे को बस करनी है कायरो के लिए, पहले ATM से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ मैं। तो बस स्टेशन पे कोई भी ATM नहीं है, यहाँ से 100 मीटर वॉक करके जाना पड़ेगा तब मिलेगा। तो भाई लोग, अलेक्जेंड्रिया बस स्टेशन पे ATM कोई नहीं है, पास में पेट्रोल पंप है जिसको यहाँ पे गैस स्टेशन बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। तो ये पेट्रोल पंप के अंदर ये छोटी शॉप है, इसके अंदर ये ATM है, नहीं तो इसके अलावा आसपास कोई भी ATM नहीं है।
तो ये जो पेट्रोल पंप है, जो शॉप है एटीएम वाली, ये 24 आवर्स ओपन रहती है, अब कभी भी आके निकाल सकते हो। तो मैंने ये फ़िलहाल अभी 1000 इजिप्शियन पाउंड मैंने निकाल लिए हैं, लगभग 4500 रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास मेरे अकाउंट से कटने चाहिए। अभी इंटरनेट तो मेरे पास है नहीं, तो जब वाईफाई मिलेगा या सिम कार्ड लूँगा तो पता चलेगा। फिर वापस जा रहा हूँ बस स्टेशन, वहाँ से बस करता हूँ कैरो के लिए। तो ये वापस आ गया हूँ मैं बस स्टेशन, ये मिनी वैन जाएगी अब अलेक्जेंड्रिया सेंट्रल बस स्टेशन से कैरो के लिए। तो ये मेरे साथ यूसुफ भाई हैं जो अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट पर काम करते हैं, इन्होंने हेल्प की मेरी, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं बोल पा रहे फिर भी हेल्प की मेरी, थैंक यू सो मच यूसुफ, शुक्रान। ओके या Sure, I will message you. I will send you the message. Thank you. Shukran. सवा पाँच बजे निकला था मैं अलेक्जेंड्रिया से, अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, मतलब कि 2 घंटे से भी कम टाइम में मैं अलेक्जेंड्रिया से कायरो पहुंच गया हूं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इजिप्ट के कैपिटल कायरो में और अफ्रीका के सबसे लार्जेस्ट सिटी कायरो में। तो जो पैसे लगे हैं अलेक्जेंड्रिया से कायरो आने में, उसके लगे हैं 65 पाउंड्स, यानी कि लगभग 300 रुपए। अब जैसे कि आपको ध्यान होगा, जैसे सिडनी में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हब था वो था सिडनी सेंट्रल था, जैसे मलेशिया में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हब है वो है केएल सेंट्रल, वैसे ही सेम कायरो में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हब है उसका नाम है रामसेस ट्रेन स्टेशन भी है, रामसेस बस स्टेशन भी है। तो मेरे को अभी जहाँ पे मेरे वैन ने ड्रॉप किया है, ये जगह है रामसेस, आप ध्यान से देख लो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो सकता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो। अगर आपको पूरे इजिप्ट में कायरो से कहीं भी जाना है आप रामसेस आओ। और मैंने यहाँ भी हर बार की तरह काउच सर्फिंग की है और जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर, जो यहाँ से बहुत ही पास में है, मैप में दिखा रहा है जस्ट 1 किलोमीटर बाई वॉकिंग घर। और लोग अभी तक जितने भी लोग मेरे को यहाँ मिले हैं, मतलब कि अभी तक मैं सुनता हुआ आया था कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसका एकदम अपोजिट फील हो रहा है मेरे को, लोग इतने फ्रेंडली, इतनी मेरी हेल्प कर रहा है, मैं सोच नहीं सकता। मैं पहुँच चुका हूँ अपने काउचसर्फर के घर पे, मैप में ऑफलाइन मोड पे 1 किलोमीटर दिखा रहा था लेकिन उतना है नहीं, और कम ही था, आई थिंक 500-600 मीटर ऐसे ही रहा होगा। चलता हूँ उसके अंदर का देखता हूँ। मैं अपने काउचसर्फर के होटल के रूम में आ गया हूँ, जो मेरे काउचसर्फर हैं वो एक डॉक्टर हैं, बता देता हूँ मैं आपको, उनका यहाँ पे होटल भी है, तो उन्होंने अपने होटल का एक रूम मेरे को ऑफ़र किया है। फ़िलहाल वो अभी है नहीं यहाँ पे, शायद अपने घर पे होंगे जहाँ भी हों। तो जो होटल के जो रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने ये रूम बुला के मेरे को दिया है, और रूम ऐसा है कुछ ठीक है, अकेले रहना है, 3 रात मैं कायरो में हूँ, 3 रात और 4 दिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक, टाइम हो रहा है दोपहर के 12, मैं रूम में जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर रेडी हो गया हूँ, अब निकला हूँ, अब जा रहा हूँ एक काउच सर्फर से मिलने, जो कि मेरा वेट कर रहे हैं सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे। तो ये है अहमद, जो मेरे को काउच सर्फिंग में मिले हैं, इन्होंने मेरे को मैसेज किया था मिलने के लिए। अभी मैंने ये 2 फुट लॉन्ग लिए हैं, 1 फुट लॉन्ग है, जैसे सेम मैं वहाँ लिया करता था वियतनाम में, बहुत ही चीप, बहुत सस्ता है ये, मेरे पड़े 2 सिर्फ 7 पाउंड में, लगभग हो गए 30 रुपए के आसपास में, इतना कुछ। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मुइस, आपको मैं कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। थैंक यू, स्मेल दिस इन इंडिया, या लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, बहुत सारी यहाँ शॉप्स हैं, कई जगह स्पाइसेस बिक रहे हैं। तो ये अब हम अल्मुइस स्ट्रीट के एंड पे आ चुके हैं, लोकेशन कुछ ऐसी है, बहुत ही हिस्टोरिक और एंशिएंट टाइप की जगह लग रही है। अब यहाँ घर देखो, सब पुराने पुराने बने हुए हैं।
here at night some concerts are being held. Okay. भाई यहाँ पे अलमुज स्ट्रीट में हम लोग पहुँचे हुए हैं अब मॉस्क ऑफ अल अकमर। अंदर जाके देखता हूँ कैसा ही है। रश बहुत ज़्यादा है, शूज़ को हाथ में लेने पड़े हैं। शो देने हैं की बिटिया। ये जो आपको गेट दिख रहा है फाइनली अब यहाँ पे जाके अलमुज स्ट्रीट ख़त्म हुई है और अलमुज स्ट्रीट ख़त्म होते ही आ जाता है बैब अल फुतू। यहाँ पे जो दिख रहा है काफ़ी लंबा है, ये फोर टाइप का बना हुआ है। तो ये आउटर वॉल ही पूरा बैब अल फुतू का है, अंदर पता नहीं क्या है इसके। अहमद को अचानक से कोई कॉल आ गया, अहमद अब वापस जा रहे हैं मेरे छोड़ के, और मैंने सिम कार्ड ले लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, इजिप्ट में मोस्टली जो फेमस है, जो पॉपुलर तीन सिम कार्ड है, ऑरेंज है, वोडाफोन है और एतिसलात है। तो मैं पहले गया था तो पहले मैं गया था वोडाफोन, वहाँ मेरे को 10 GB मिल रहा था लगभग £260 में। फिर मैं एतिसलात गया, वही सेम प्लान मेरे को मिल गया £132 में, लगभग हो गए 600 रुपए के आसपास। ओके हमद, थैंक्स अ लॉट। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सी एस। यस थैंक यू। आई लीव आई मैसेज यू बाय। आई एम वेटिंग। अब मैं वापस आ गया हूँ अलमुज स्ट्रीट के अंदर। अब मैं जा रहा हूँ जो कायरो की सबसे फेमस मार्केट है, आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे, खान अल खलीली। तो खान अल खलीली जो है बहुत ही फेमस मार्केट है पूरी कायरो की, इवन पूरी इजिप्ट। तो अभी मैं आपको उस मार्केट का डे व्यू दिखाता हूँ कि दिन में कैसी दिखती है। तो अभी मैं कायरो में टोटल 4 दिन हूँ, फिर किसी दिन रात में भी आऊँगा और आपको उसका नाइट व्यू दिखाऊँगा। ये अब हम पहुँच चुके हैं खान अल खलीली मार्केट। दिन में तो बहुत नॉर्मल लग रही है, बहुत शॉप्स लग रही बंद है। जो अलमुज स्ट्रीट थी उसी के बीच से ही रास्ता निकला हुआ है खान अल खलीली मार्केट का। अगर आप गूगल मैप पे देखोगे आपको इजीली मिल जाएगा। No, शुक्रिया। कुछ लोग यहाँ नमस्ते बोल रहे हैं, देख के समझ जा रहे हैं कि इंडिया से हैं। ये है ओरिजिनल खान अल खलीली मार्केट। शुक्रान। अब मैं आ चुका हूँ खान अल खलीली के एकदम बीचों बीच, एकदम सेंटर में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये सब लैंडन आपने देखे ही होंगे अगर कभी भी आपने खान अल खलीली की फोटोज या कहीं भी गूगल पे देखी होगी तो। अब हम लोग खान अल खलीली के एक ऐसे लेन में हैं जहाँ लाइन से सिर्फ कैफ़ेज ही कैफ़ेज हैं बहुत सारे। और यहाँ एक ऐसा कैफ़े है जो कि ना ही सिर्फ खान अल खलीली में, ना ही सिर्फ कायरो में, बल्कि पूरे इजिप्ट में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। अगर आप कायरो आते हैं तो यहाँ आप ज़रूर आइए, लाइक मज़ा ही आपको आ जाएगा। इसका नाम है अल फिशावे। ये अल फिशावे कैफ़े।
भाई मैं फिर अभी इल पेशावी कैफे आया ही था, सोचा कुछ पी लूँ यहाँ पे, दोबारा कभी आना तो होगा नहीं, तो मैंने फिर अभी कुछ ऑर्डर किया यहाँ पे। नॉर्मली टी कॉफ़ी ये तो हर जगह मिल जाता है, यहाँ का जो स्पेशल है वो है सहला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ऊपर कुछ किशमिश बनी हुई है, और कैसे बना है क्या बना मेरे को नहीं पता। भाई वाकई लाजवाब है शहला, उसे तो मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ, देख लेना आप लोग, लेकिन बहुत ही बहुत टेस्टी बहुत यमी है, अगर आप यहाँ पे आते हो जरूर ट्राई करते हैं। ये अल फिशावी कैफे का किचन है, सब कुछ यहीं से बन के आता है, बहुत सारे यहाँ पे शीशा रखे हुए हैं, ये उसके फ्लेवर्स हो गए हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं, मैं चल रहा हूँ वापस अपने कौसरफर के होटल में। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, पूरे कायरो में दो बहुत ही बड़े स्क्वायर हैं जो बहुत फेमस हैं, पहले का नाम है तहरीर स्क्वायर, दूसरे का नाम है तलात हार्ब स्क्वायर। तलात हार्ब स्क्वायर बस लगभग आने ही वाला है यार, ये एरिया थोड़ा बहुत सही लग रहा है बाकी एरियो से, बाकी एरिया तो लग रहा था पता नहीं किस ज़माने का, एकदम बाबा आजम ज़माने का लग रहा था, फिर भी यहाँ शॉप्स हैं शोरूम्स हैं, काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा मॉडर्न लग रहा है। यही है तलात हार्ब स्क्वायर, स्क्वायर तो खैर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आसपास की जितनी भी यहाँ रोड्स गई हुई हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कि आप कोई नए टाइप के या मॉडर्न टाइप के आप मार्केट में आए हुए हो, बाकी तो कायरो पूरा पुराना पुराना ही है। तो जितने भी शोरूम्स वगैरह हैं बड़े बड़े, सब तलात हार्ब के आसपास ही हैं, कुछ मॉल्स भी हैं यहाँ पे। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू।